आज के आपके करंट अफेयर्स 22 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ब्लैक सी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आपके न्यूज क्या है, यूक्रेन की लड़ाई के बारे ही है। तो उसके कंटेक्स्ट में एक बारी पूरा का पूरा जो आसपास का एरिया है उसका पूरा मैप स्टडी कर लेते हैं। देखो, न्यूज आई हुई है मरियापोल के बारे। मरियापोल आपके यूक्रेन का एक पोर्ट सिटी का शहर है, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब रशिया का एक जनरल जो रशिया की अभी इन्वेजन चल रही है उसके बारे एक कंटेक्स्ट दे दूं यहां से स्टार्ट करते हुए। देखो, ये जो इधर ये टेरिटरी दिख रही है ना, इतनी टेरिटरी, ये एक्चुअली ये हमेशा से ये रशिया ही है। ये सारी टेरिटरी ये रशियन टेरिटरी है। 2014 में रशिया ने क्या किया था, यहां पे एक तरीके से इनडायरेक्ट इन्वेजन लॉन्च करके ना, ये जितना एरिया है ये सारा यूक्रेन से पहले ही छीन लिया था। ये यूक्रेन की टेरिटरी है, ठीक है। तो ये 2014 में ये टेरिटरी 2014 में भी दो जो अभी हम जिस वॉर के बारे तुम सुन रहे हो ना, ये वॉर एक्चुअली 2014 से चल रही है। पर बात क्या है, 2014 में रशिया ने अपनी खुद की मिलिट्री कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं की, मतलब इन पेपर्स के रशिया ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमारी मिलिट्री है। रशिया का क्लेम था कि रशिया रशियन ओरिजिन के कुछ सेपरेटिस्ट हैं, कुछ मिलिटेंट्स हैं जो यहाँ पे यूक्रेन के साथ लड़ गए हैं, ठीक है। पर वो कई बार क्लियर एविडेंसेस आए हैं कि रशिया की सरकार, रशिया की आर्मी उन्हें क्लियरली सपोर्ट कर रही है, वेपन्स दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, बल्कि रशिया के अपने सोल्जर्स मिलिटेंट्स का रूप लेके यहाँ पे लड़ने जा रहे हैं। तो 2014 में इसी कारण यहाँ पे ये फुल स्केल लड़ाई हुई, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया है, चाहे देखो क्योंकि इससे भी क्लियर हो जाता है, चाहे लड़ाई सेपरेटिस्ट लड़ रहे थे जो यूक्रेन से, रशिया ने बोला कि यूक्रेन से अलग होने के लिए कुछ रशियन ओरिजिन के लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पर उसके बाद जब ये सारे एरिया पे कब्जा कर लिया उन्होंने, रशिया ने इसे अपना पार्ट बना लिया। तो रशिया ऑलरेडी इतने एरिया को कंट्रोल कर रहा था इस साइड पे। यहाँ पे भी कुछ सेपरेटिस्ट, ये डोनेस्क और आपके लुहांस के एरियाज आपने सुने होंगे वॉर के टाइम, ये रशिया ने सबसे पहले इन्हें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था कि इन्हें भी आजाद यूक्रेन से डिक्लेयर किया जाता है, और रशिया इनकी सपोर्ट में उतर रहा। अब हुआ क्या है, जब से वॉर डिक्लेयर हुई है ना, रशिया ने इस एरिया में भी एक्सपांड किया है, ठीक है, वो यहां तक पहुंचे बैठे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मेलिटोपोल, मरियापोल, ये सारा एरिया यहाँ पे रशिया ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे एक समुंदर उनके बीच में आ गया, रशिया की टेरिटरी के बिल्कुल सेंटर में, सी ऑफ एजोव, ठीक है। तो आपको कभी ये पूछा जाए सी ऑफ एजोव कहाँ लोकेटेड है, तो उसका करंट अफेयर रेलिवेंस से ही क्वेश्चन बना होगा। उसके बाद देखो, ये जो मैप होते हैं ना, सारे मैप्स एक साथ याद करने जाओगे ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे जितनी भी रिवर्स आपको दिख रही हैं, डिनपर, डॉन, ठीक है, कुबान, लाबा, बग, ये जितनी भी रिवर्स हैं उन्हें एक बार स्टडी कर लेना है हमने, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि देखो, वैसे मैप जो मैंने दिया है वो ब्लैक सी का दिया है, अगर किसी को ब्लैक सी से सी ऑफ एजोव जाना है, उन्हें कौन सा रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ेगा। देखो, अगर तुम इस एरिया को देखोगे जो यहाँ पे बना हुआ है, मैप पे बना के दिखाता हूं, ये ऊपर आप मान लो आपका सी ऑफ एजोव है, यहां पे आपके लैंड एरिया बना दोनों साइड पे, और इस साइड पे ये ब्लैक सी सारा का सारा ओपन हो गया, ये है आपका ब्लैक सी। इन दोनों वाटर बॉडीज, यहाँ पे ये भी पानी है, यहाँ पे ये भी पानी है, इन दोनों के बीच में पानी का कनेक्शन सिर्फ ये एक पतला सा रास्ता है और कुछ नहीं है। ये जो पतले से रास्ते होते हैं, जो ये नैरो सा पतला सा रास्ता है, नैरो चैनल कह लो, नैरो चैनल ऑफ वाटर, जो ये पतला सा रास्ता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है,
इन्हें हमेशा कहते होते हैं स्ट्रेट, ये ज्योग्राफी में डेफिनेशन है स्ट्रेट, जो भी ऐसा पतला रास्ता होता है जो एक मतलब एक पतला रास्ता जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे उसे कहते हैं स्ट्रेट। तो यहां पे अगर तुम देखोगे इस मैप की तरफ वापस जाते हुए, यहाँ पे एक साइड पे अगर ब्लैक सी है, एक साइड पे सी ऑफ एजोव है, बीच में पड़ता है आपका कर्च स्ट्रेट, ठीक है। तो ये ना आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते होते हैं कि ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, उसका आंसर हो जाएगा कर्च स्ट्रेट, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे स्टडी करना है। उसके बाद अगर ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर लगती है, अगर मैं एक जनरल सेंस में बताऊं तो देखो यहाँ पे रशिया, ऊपर यूक्रेन, ये आपकी यूक्रेन की टेरिटरी है, ठीक है, ये सारे यूक्रेन लग रहा है इस साइड से, अभी भी ये वाला एरिया कैप्चर हो गया पर ये वाला अभी भी उनके कंट्रोल में है। जैसे रशिया की एक कोशिश है, ये ओडेसा जो शहर है ना यूक्रेन का, इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ये इनका भी डिस्टेंट ड्रीम है, धीरे धीरे इसकी तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं, वो यहां तक पहुंच चुके हैं, वो ओडेसा तक पहुंचना चाहते हैं, ओडेसा तक कब्जा करना चाहते हैं। अगर ओडेसा तक कब्जा हो गया, देखो ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है, जितने भी यूक्रेन को बाहर से हथियार आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे समुन्द्र के थ्रू आ रहे हैं, ओडेसा से आ रहे हैं। अगर पहली बात तो ओडेसा जीत लिया तो बाहर से हथियार आने कम हो जाएंगे, दूसरी चीज यूक्रेन पानी से बिल्कुल कट जाएगा, अगर पानी से कट गया, देखो आज के टाइम में कोई देश तरक्की नहीं कर सकता जिसे समुंदर नहीं लगता, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर ट्रेड आपके समुंदर से जाता, तो नहीं तो आप किसी और देशों पर डिपेंड करोगे अपना सामान भेजने के लिए। तो रशिया के ऊपर उनकी डिपेंडेंस डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बढ़ सकती है, ठीक है, इस कारण वो इस शहर की तरफ आपको आने वाले हफ्तों में दिखेंगे कि वो ओडेसा की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं ब्लैक सी की तरफ, जैसे मैंने कहा कि कंट्रीज कौन से टच करती हैं, ये रशिया हो गया, यहाँ पे यूक्रेन, फिर आपका ये कंट्री की बॉर्डर बन गई आपकी मोल्डोवा की, उसके बाद आपका रोमेनिया आ गया, ठीक है, फिर बुल्गेरिया आ गया, नीचे ये ग्रीस आ गया, ग्रीस का ये इलाका ब्लैक सी को लगता है, सॉरी ये ग्रीस का इलाका नहीं है, ग्रीस इधर को रह गया, सॉरी ये ग्रीस का इलाका नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जानी थी, ग्रीस इधर को है। ये जो एरिया है ना, ये दोनों साइड पे, एक मिनट, टेरिटरी को मैं अलग रंग से मार्क कर दूं क्योंकि इसके बारे में कुछ बताना है। ये जो सारी टेरिटरी है ना, इस साइड पे भी और ये दूसरी साइड पे भी, ये सारी की सारी टर्की की टेरिटरी है। जो इस्तांबुल जैसे शहर है, देखो ये देखो इस्तांबुल, इस्तांबुल आपके यूरोप की साइड पड़ता है, बाकी टर्की का जो बड़ा हिस्सा है वो एशिया की साइड पड़ता है। देखो ये इस साइड पे यूरोप है जहां पे ये सारे ग्रीस और ये सारी कंट्रीज हैं, तो टर्की आधा आधा दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, एक हिस्सा छोटा है तो आपकी यूरोप की साइड छोटा हिस्सा है, पर यूरोप पार्ट भी है उसका, और बड़ा हिस्सा उसका एशिया में। अब यहीं पे अगर तुम देखोगे, एक और चीज के बारे भी यहाँ पता चलता है, और इसके रिगार्डिंग तुम्हें एक और चीज भी बताता हूँ, वॉर से जुड़ी हुई। देखो बहुत सारे करंट अफेयर वॉर से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बन सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, एक चीज के चलो अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखो यहां पे ऊपर ये ब्लैक सी है ना, इस साइड पे आपके सी ऑफ मरमरा है फिर से, और सी ऑफ मरमरा को क्रॉस करके इस साइड पे आ जाता है एजियन सी, जो जुड़ा हुआ है आपके मेडिट्रेनियन सी से, आगे जाके मेडिट्रेनियन सी जुड़ जाता है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर आपको ब्लैक सी से मेडिट्रेनियन सी जाना है, बीच में कौन सी चीजें आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी।
देखो फिर से यहाँ पे एक नैरो रास्ता आ जाता है पानी का, ये वाला। इस नैरो रास्ते का नाम है बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, इन्होंने यहाँ स्ट्रेट वर्ड नहीं भी लिखा, बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से। सी ऑफ मरमरा आगे फिर से एक नैरो रास्ते से कनेक्ट होती है जिसका नाम है डार्डेनल्स। ठीक है, डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो सी ऑफ मरमरा और आगे एजियन सी या मेडिटेरेनियन सी किसी भी नाम से आ जाए, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी और एजियन सी के बीच में कोई स्ट्रेट नहीं है। तो सी ऑफ मरमरा मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होती है डार्डेनल्स के थ्रू। तो एक साइड पे बॉस्फोरस है, एक साइड पे डार्डेनल्स है, ये पूरे रास्ते से कनेक्ट होती है। अब देखो ये जो नैरो रास्ता है इसका, इस पूरी वॉर में क्या सीक्वेंस, मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या चीज है। अगर इस रास्ते को, इस पानी के रास्ते को तुम इफेक्टिवली देखोगे, यहां से अगर कोई भी शिप एंटर करती है और यहां को जाती है, एक तरीके से दोनों साइड पे टर्की है। तो दुनिया में ना टर्की ने ये बोला कि देखो ये जो बीच का पानी है इसके ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरी टेरिटरी के बीच में ही आ गया। इसके ऊपर दुनिया में एग्रीमेंट भी हुआ कि एक्चुअली ये जो रास्ता है इसे टर्की कंट्रोल कर सकता है। तो एक दुनिया में कन्वेंशन साइन हुई हुई है जिसे हम कहते हैं आपकी मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का क्या मतलब है? मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि जो ये आपका स्ट्रेट है ना, ये दोनों डार्डेनल्स और आपका बॉस्फोरस, इन दोनों के ऊपर टर्की का कंट्रोल होगा। टर्की कभी भी इन स्ट्रेट्स को बंद करना चाहे किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए या सारे दुनिया की शिप्स के लिए, उन्हें बंद कर सकता है। अगर उसे बंद कर दिया, जो शिप यहां पे फंसी हुई है वो उतने टाइम के लिए यहीं रह जाएंगी और जो इस साइड पे है वो इस साइड पे रह जाएंगी। ठीक है, ये सारी वॉर के अंदर कहां सिग्निफिकेंस आ रहा है इसका और क्यों मैं आपको बता रहा हूं। आपके ना ब्लैक सी के अंदर रशिया की नेवल फ्लीट पोस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे रशिया की काफी नेवी की प्रेजेंस है। पर अभी आपको रिसेंटली, अगर हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले पता हो, हफ्ते के अंदर ही हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक रशिया की शिप उड़ा दी गई थी। यूक्रेन ने यहां से मिसाइल लॉन्च की थी और वो उनके एक शिप पे जाके गिरी और उनकी एक टॉप शिप मोस्कावा उसका वो सिंक करके डूब गई। तो ऐसे अगर उन्हें कोई भी रीइंफोर्समेंट्स चाहिए और नेवी बुलाने की जरूरत है, ब्लैक सी के अंदर रशिया सिर्फ एक ही रास्ते से नेवी बुला सकता है, वो है यहां से डार्डेनल्स से। टर्की ने वॉर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी मिलिट्री शिप का इस रास्ते से आना बैन कर दिया कि कोई भी मिलिट्री शिप यहां से अब नहीं पास करेगी। तो टर्की ने वॉर को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, और टर्की का ये यूक्रेन की साइड को स्टैंड लग रहा है कि टर्की ने ये रास्ता बंद कर दिया। यूक्रेन की डिमांड है कि चलो आपने सिर्फ अभी सिर्फ मिलिट्री शिप्स और ये सब कुछ बैन किया है, यूक्रेन का कहना है कि एक बार के लिए सारी रशियन शिप्स को बंद करो, क्योंकि सप्लाई वाली शिप्स तो आ ही रही है ना, जो डीजल या बाकी चीजें डिलीवर कर रही है, खाना सब कुछ, तो फ्लीट तो अभी भी चल रही है। तो यूक्रेन डिमांड कर रहा है कि आप सारा ही बंद कर दो इसे, पर टर्की ने बोला है हम सिर्फ मिलिट्री के लिए बंद कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ जी सर, रशिया के खुद के शिप्स इस साइड से नहीं आते हैं, जो इनके रशिया वाले पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे, इनके ये जो लिखे हुए हैं सोची सुखमी वगैरह जो जगह लिखी हुई है जो कर्स्ट्रेट के पास है। हाँ बिल्कुल, रशिया की अपनी शिप्स तो यहाँ से आती हैं, पर शिप्स यहाँ वाली तो सिर्फ वही आएगी ना जो यहाँ पे पोस्टेड है। देखो रशिया की जितनी बड़ी टेरिटरी है, अब मैं तुम्हें एक मिनट साथ में वर्ल्ड मैप भी खोलता हूँ, फिर मैं वर्ल्ड मैप से साथ साथ समझाता हूँ क्यों इसका सिग्निफिकेंस है।
इस चीज को देखो, ये देखो, ये जो रशिया की टेरिटरी है अपने आप में रशिया बहुत बड़ी टेरिटरी होल्ड करता है, ठीक है। अब इतनी बड़ी टेरिटरी में सारी की सारी फ्लीट, हम जो अभी एरिया पढ़ रहे थे ना, ये वाला एरिया पढ़ रहे थे, ये वाला समुद्र, तो रशिया का सिर्फ इतना को एरिया यहाँ पे है। अब रशिया को अपनी बाकी भी तो डिफेंस देखना, इतनी बड़ी उनकी कोस्टल लाइन है, तो रशिया की शिप्स इस साइड पे भी पोस्टेड है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ में भी पोस्टेड है, उसके बाद यहाँ पे बाल्टिक में भी पोस्टेड है, अलग अलग जगहों पे पोस्टेड है ना। अब अगर उन्हें कहीं से भी चाहिए, जैसे यहाँ ऊपर रशिया का बहुत बड़ा शिपयार्ड है, अगर रशिया को यहाँ से अब अपना बैकअप भेजना है लड़ाई के लिए, उन्हें ये पूरा एरिया घूम के यहाँ पे अपनी शिप्स भेजनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ तो सकती है ना शिप, अगर जरूरत पड़े कहीं से भी कोई भी मूवमेंट करनी है, यहां से घूम के जाएं, यहां से घूम घूम के आपके इस साइड से पहुंच जाएं, तो मदद के लिए आ तो सकती हैं। पर अगर मैं यहाँ पे, ये जो आपका टर्की का देश है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ साफ कर दूं, ये जो आपका टर्की का देश है जो दोनों साइड है, अगर वो यहाँ पे वाटर बॉडीज बंद कर देता है, फिर यहां से ये जो ओशन, ये जो आपका सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये था आपका ब्लैक सी, इन दोनों का रास्ता कट जाता है। जो शिप इस साइड को रहेगी वो इस साइड को रह जाएगी, जो शिप इस साइड को है वो इस साइड को रह जाएगी। इस तरीके से ये अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब टर्की के ऊपर बहुत बड़ी पावर है ब्लैक सी को लेके, ठीक है। इसी कारण जब ये एरिया पड़ रहे थे, देखो यही आ गया, तो रशिया यहां वाली फ्लीट तो यूज कर सकता है, पर जो शिप्स हैं, सप्लाई भी तुम यहां से लेके आ सकते हो और चीजों की, पर और शिप्स थोड़ी जमीन के ऊपर से ले आओगे, उन्हें तो पानी से लाना पड़ेगा, और पानी इस तरीके से आपके होगा, ठीक है। कह रहे सागर जी, हाँ जी सर, एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। सर, ये ब्लैक सी में के इर्द गिर्द से जो कंट्रीज है, फिर इन्होंने अपने इकोनॉमिक जोन कैसे डिवाइड किए हैं, मतलब कि यहाँ पे क्यों, कैसे कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं बाकी की कंट्रीज, कैसे मतलब? मतलब कि ये ब्लैक सी के अंदर तो इनका सबका चलता है ना, तो ये सी किसके कंट्रोल में ओवरऑल, कि अगर यहाँ पे इन्होंने कोई अपनी शिप्स वगैरह उतरानी है, या फिर कोई कमर्शियल, या फिर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है, या कोई एक्सप्लोरेशन वगैरह करनी, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे भी वही चीज है। देखो ये दिखने में छोटा लगता है, ये इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है, और कंट्रीज इतनी पास पास नहीं है कि एक्चुअली उन्हें इस चीज का इश्यू आए। यहाँ पे भी वही होता है, देखो जो आपकी कन्वेंशन एग्जिस्ट करती है, आपकी ना एक समुन्दर के पानी को लेके कन्वेंशन एग्जिस्ट करती है, अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, समुन्दर के एक तरीके से बेसिक कानून इसके अंदर बनाए गए हैं, इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं कि किस तरीके से आपका सारे के सारे समुन्दर के हम पानी को ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम कोई भी जो देश है, देश के 200 नॉटिकल माइल्स, अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक तुम कोई भी माइनिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो कर सकते हो। हर देश के पास यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल बन रहे हैं आराम से, तो कोई डायरेक्ट डिस्प्यूट नहीं आता, ठीक है। अगर ये तुम ये वाला पानी देखोगे ना, यहां तक ये आपके एक तरह से ये वाला एरिया जो है, ये ज्यादातर ये वाले एरिया के अंदर अंदर कवर हो जाता है सबका, ठीक है। तो सबका 200 नॉटिकल माइल अवेलेबल है, मतलब छोटा करके बनाया एक साइड पे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने यहां तक कंट्रोल बांटा हुआ है, क्योंकि दुनिया के स्केल पे 200 नॉटिकल माइल आराम से हो जाते हैं, ठीक है। ये टर्की वाली जो मैंने आपको कन्वेंशन बताई है, क्या नाम था? मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन याद रखना, ये पेपर में आपको किसी भी टाइम आ सकती है, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। किसी टाइम में आपको क्लास के अंदर लिखवा, मतलब किसी ना किसी करंट अफेयर में दोबारा उसके नोट्स भी आ जाएंगे, पर इन जनरल सेंस याद रखना, क्लियर है। सेकेंड आपका करंट अफेयर है बंदीपुर नेशनल पार्क के बारे।
अब बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंडिया का, कई बार तुम इसे न्यूज और करंट अफेयर्स में देखोगे। बंदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका स्टेट के अंदर लोकेटेड है, ये एक टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है। 1972 से ही हमने टाइगर बचाने शुरू किए हैं, स्पेसिफिकली टाइगर्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1972 में शुरू हुआ था, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनल पार्क्स जो इसका हिस्सा बना, टाइगर रिजर्व बना, वो ये था बंदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है 1982 से। देखो आपको इन चीजों के बीच में फर्क बता दूं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, ये टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स क्या होते हैं, और आपके ये बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। तो बायोस्फीयर, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब में फर्क बता दूं। देखो जो नेशनल पार्क होते हैं ना, नेशनल पार्क ओवरऑल एक पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क अपने आप में काफी बड़े होते हैं, इन्हीं के अंदर मल्टीपल एरियाज मार्क किए होते हैं। जैसे नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, काफी बड़ा एरिया होता है, तुम चाहते हो किसी एरिया की ना जनरल अगर एनवायरनमेंट बच जाए, तुम क्या करते हो एक एरिया को नेशनल पार्क मार्क कर देते हो। पर ऐसा भी हो सकता है उसके आसपास लोग रहते हो, ठीक है, तो तुम क्या करते हो नेशनल पार्क के आसपास अगर लोग रह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि नेशनल पार्क के ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। अगर लोग आसपास कोई भी लेट्स सपोज हैवी एक्टिविटी करने लग गए, यहाँ पे मैंने सीमेंट का प्लांट लगा लिया, चाहे अगर मैं ये एरिया बचाना भी चाहता हूँ, सीमेंट का प्लांट इतनी पास आके लग गया, इसके पोल्यूशन तो यहाँ जाएगा ही जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, पहली बात, पहली सिक्योरिटी की लेयर है जहां पे लोग रहते हैं आसपास नेशनल पार्क के, सब कुछ नेशनल पार्क की बाउंड्री ये है। तो मैं पहले बता दूं कि नेशनल पार्क के बाहर, नेशनल पार्क के अंदर लीगली लोगों का रहना मना है, कोई भी घर नेशनल पार्क के अंदर नहीं डाल सकता लीगली। तो ये जो आसपास जो लोग होते हैं इनके एरिया को बना दिया जाता है इको सेंसिटिव जोन, जहां पे लोग रह सकते हैं, खेतीबाड़ी जैसा काम कर सकते हैं, पर कोई भी हैवी मशीनरी वाला काम नहीं हो सकता, माइनिंग नहीं हो सकती, सीमेंट जैसी फैक्ट्रीज ऐसी चीजें नहीं लग सकती, ऐसा कोई भी काम जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करता हो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेशनल पार्क बना, नेशनल पार्क के अंदर तीन लेयर की प्रोटेक्शन होती है, तीन लेयर की प्रोटेक्शन होती है, ये बीच वाला एरिया इन जनरल सेंस बोलूं तो ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे सेंटर में जो एरिया होता है ये नेशनल पार्क के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, यहाँ पे वो जानवर या वो प्लांट्स होंगे जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ओरिजिनली ये बनाया गया था। इन एरिया को कहते हैं आपके कोर एरिया, ये होता है नेशनल पार्क का कोर, जहां पे किसी भी ह्यूमन को जाना अलाउड नहीं होता, ये सबसे पीसफुल रहना चाहिए, यहां किसी इंसान को जाना अलाउड नहीं होता, प्योरली यहां पे आपके क्या कहते हैं इसे इन्वायरमेंटल पर्पस के लिए सेव करके रखा जाता है। यहां पे सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च जो है सिर्फ उसका काम हो सकता है, और कोई भी यहां पे विजिट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद जो अगला एरिया आता है उसे कहते हैं आपका बफर जोन। बफर जोन के अंदर भी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हो सकती, पर इसके अंदर आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए यूज हो सकता है या टूरिज्म के लिए यूज हो सकता है, जैसे जो सफारी सफारी करवाने जाते हैं वो ज्यादातर यहां तक करवाने जाते हैं। ठीक है, इतने को एरिया तक सफारी करवा के यहां से बाहर ले आएंगे, इसलिए लोग सफारी पे गए हुए उन्हें कभी शेर दिखता ही नहीं है, शेर दिखेगा ऐसे, शेर तो यहाँ पे है और रेयरली कभी कोई शेर घूमता घूमता आ जाए तो दिख जाएगा, नहीं तो शेर शेर नहीं दिखाई देते। ठीक है, और लास्ट में है आपका ट्रांजिशन का एरिया, जहां पे इससे भी ज्यादा रिलैक्सेशन होती है, टूरिज्म कई बार छोटा मोटा वहां पे रहने के लिए भी बना दिया जाता है टूरिस्ट के, तो वो फॉरेस्ट वालों के अपने खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ऐसी चीजें यहाँ पे ट्रांजिशन में एग्जिस्ट करती हैं।
तो ये पूरा का पूरा जो आपका जोन है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स का एक्चुअली जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनेस्को ने एक ना मिशन शुरू किया कि देखो आज तक हम जब भी इन्वायरमेंट बचाने की बात करते आए हैं ना कि इन्वायरमेंट बचानी है, इन्वायरमेंट सेव करनी है, हमारी हमेशा अप्रोच क्या रही है कि इंसान को जंगलों से मैं बाहर निकाल दूं तो जंगल बच जाएगा। पर एक इस पूरी चीज में एक इश्यू है कि हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं ना, या जंगल के इवन बीच में रहते हैं, जो आदिवासी रहते थे हमेशा, वो एक्चुअली जंगल को प्रोटेक्ट भी तो वही करते आए हैं, और उन्हें जितनी जंगल की नॉलेज है उतनी किसी और को नहीं है। वो तो क्या कहते हैं, पेड़ दिखा के देख के बता सकते कि यहाँ से लेफ्ट जाना है राइट जाना है, हमारे जैसे सारे पेड़ एक जैसे ही तो है, तो उन्हें नॉलेज है उस पूरी जगह की। ये चीज का फायदा उठाने के लिए कि एक्चुअली इन दोनों चीजों को सेपरेट ना देखो, मैन और ह्यूमन एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। यूनेस्को ने पूरी दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स रेकॉग्नाइज करवाने शुरू किए, ठीक है, मैन एंड नेचर प्रोग्राम लॉन्च किया था आपके यूनेस्को ने, उसके अंडर बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए। बायोस्फीयर रिजर्व एक नेशनल पार्क से बहुत बड़ा एरिया होता है, ये ऐसा एरिया है तभी इसके अंदर जो अभी हमने पढ़ा, जैसे बंदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है, ऐसे दो तीन नेशनल पार्क एक पूरे एरिया में हो सकते हैं और पूरे एरिया को हम बायोस्फीयर डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे ये नेचर होगी जो प्रोटेक्टेड भी है, यहाँ पे जो इंसान रह रहे हैं उन्हें भी हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। ओवरऑल बायोस्फीयर का एरिया हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव है, जैसे इको सेंसिटिव एरिया हो गया ना, ये मान लो ये इसका बिगर वर्जन है। हम ये कह देते हैं कि यहाँ इस एरिया को इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए कि इंसानों का एहसास हो कि हमें इस नेचर को बचाने की जरूरत है और इसके थ्रू हमें भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इंस्टेड कि इंसानों को जंगलों से दूर किया जाए, हम उनकी एसोसिएशन को रेकॉग्नाइज करें कि इंसान जंगलों की और पौधों की परवाह भी कर सकते हैं और उसी तरीके से वो एग्जिस्ट भी करते हैं। क्लियर है, तभी यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर। इसके अलावा और भी यहाँ पे नेशनल पार्क है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे वेनाड नेशनल पार्क इसी का हिस्सा है, फिर तमिलनाडु में भी एक और था, एक तमिलनाडु में भी है, तीन का जंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो एक का मुझे नाम नहीं आ रहा है, केरला के अंदर वेनाड है, कर्नाटका का बंदीपुर है, और एक तमिलनाडु का भी कोई है, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। पन्नामुड़ी सर, नगर होल भी आपके इसी का ही है ना, कर्नाटका का नगर सर, पन्नामुड़ी सर, हाँ अन्ना मलाई नेशनल पार्क भी है, ठीक है। हाँ अन्नामलाई आपका जो नेशनल पार्क है वो आपके तमिलनाडु में, नगर होल भी इसका हिस्सा है, वही चार को नेशनल पार्क पड़ गए इसके पूरे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आपका बंदीपुर नेशनल पार्क है, इसके नॉर्थ में कबीनी रिवर फ्लो करती है और इसके साउथ में मोयार रिवर फ्लो करती है, ठीक है, और नुब्बू रिवर इस पार्क के बीचों बीच से निकलती है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ज्यादातर जो आपके पेड़ हैं वो ड्राई डेसिडुअस पेड़ हैं, डेसिडुअस पेड़ होते हैं जो साल में एक बारी अपने सारे पत्ते झाड़ देते हैं, फिर दोबारा से नए पत्तों के साथ उगना शुरू करते हैं, तो उन जंगलों को डेसिडुअस कहते हैं। देखते हैं ना पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, ठीक है। यहाँ पे श्रब लैंड्स भी हैं, जिन्हें वहां पे साउथ की लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, शोल। श्रब लैंड होते हैं ऐसी जगहें जहां पे ग्रासेस एग्जिस्ट करते हैं, झाड़ियां एग्जिस्ट करती हैं और छोटे साइज के पेड़ एग्जिस्ट करते हैं। ये ना साउथ में एक यूनिक फीचर है इंडिया के, मतलब नॉर्थ में नहीं है ये साउथ में ही है,
के साउथ के कुछ एरियाज में शोल के जंगल बनते हैं। शोल के जंगल ऐसे हैं जहां पे छोटी हाइट के पेड़ होंगे आपके, बाकी बीच में घास ही घास होगा होगा, ग्रासलैंड्स होंगे, बीच में कुछ झाड़ियां भी होंगी। इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया एग्जिस्ट करता है, श्रबलैंड कह लो। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में शोल भी अगर वर्ड लिखाओ यही मतलब है इसका। ठीक है, क्लियर है? तो ये इस तरीके से थर्ड न्यूज जो है वो डायरेक्टली करंट अफेयर नहीं है, पर आपकी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके कई कंट्रीज की जो करेंसीज होती है ना वो बहुत ही कमजोर होती है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, अगर तुम्हारे देश की गवर्नमेंट कमजोर है, गवर्नमेंट एक तो वीक है और एक इनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है सरकार की, तो होता क्या है, इसका असर ना डायरेक्टली तुम्हारी करेंसी के ऊपर भी पड़ता है। तुम्हारी करेंसी ना बहुत ऊपर नीचे डगमगाती रहती है, तो तुम्हें अपनी करेंसी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं होता। इसके चलते हुए क्या होता है कि ऐसे देशों में ना लोग अपनी करेंसी छोड़ के अमेरिकन डॉलर में ही काम करने लग जाते हैं। यानी कि वहां पे अगर जैसे अब तुम मार्केट जाते हो, हम जितना भी सामान खरीदते हैं सारा रुपीज में खरीदते हैं ना, तुम किसी को जाके डॉलर दोगे भी वो बंदा शायद ना भी ले कि मैं क्या करूंगा डॉलर का, मुझे तो रुपी दो। पर ऐसे देशों में क्या होता है कि ये प्रेफर ये करते हैं कि तुम डॉलर ही दे दो, लोकल करेंसी का क्या भरोसा आज कहां जा रही है, तो ये डॉलर में ज्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं। म्यांमार एक ऐसा देश है। देखो, म्यांमार में क्या हुआ था 2021 की शुरुआत में, यहां पे ना म्यांमार जब इनकी इंडिपेंडेंस आई, इनकी इंडिपेंडेंस हमसे बाद में 1949 में आई थी, 1949 में जब म्यांमार आजाद हुआ था तब इसका नाम बर्मा था। यहां पे बहुत अर्ली स्टेज में ही ना बर्मा में मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया था और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री ने अपना राज एस्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, तो मिलिट्री अपना राज चला रही थी। ये मिलिट्री रूल एग्जिस्ट करता आया आपके 2015 तक, तब से लेके 2015 तक मिलिट्री रूल ही रहा। 2015-16 में जाके मिलिट्री ने बोला कि अब हम इलेक्शन करवा देंगे और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं था कि सारी इलेक्शन होनी थी, जो उनकी पार्लियामेंट है अभी भी फुली डेमोक्रेसी वो नहीं थी, पार्लियामेंट के अंदर 50% अब मिलिट्री ने होना था, 50% लोग इलेक्टेड हो सकते थे। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी चीज थी, अब जो इलेक्टेड लीडर्स थे ना इन्होंने काफी ज्यादा अपोज करना शुरू किया मिलिट्री के रूल को, कि मिलिट्री बिल्कुल खत्म हो पार्लियामेंट से और फुल डेमोक्रेसी बने। इसके चलते हुए 2021 में मिलिट्री ने फिर से बोला कि हटो और हम ही रूल चलाएंगे। तो अब जब 2021 में आपकी मिलिट्री ने फिर से तख्ता पलट कर दिया, तब सारी ज्यादातर दुनिया ने म्यांमार के ऊपर ना सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, सैंक्शंस वही पैसे की कमी, फिर से मतलब पैसे का फ्लो इसके अंदर रोक लिया। तो इस सैंक्शंस के कारण क्या हुआ कि म्यांमार के अंदर अब धीरे धीरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता जा रहा है, पर इस रिजर्व को पूरा करने के लिए म्यांमार की सरकार क्या कर रही है, वहां के जो लोकल लोग हैं वो कमाते डॉलर में ही है। वहां की लोकल करेंसी जो म्यांमार की अपनी करेंसी है ना, कयात करेंसी उसे कहते हैं, जैसे हमारा रुपया है वहां पे कयात है, तो कयात जो है उसके अंदर कम ही डील करते हैं। तो वहां के गवर्नमेंट ने रूल पास ऑन किया कि अब जो भी पर्सन डॉलर में भी कमा रहा है ना, तुम्हें एक दिन के अंदर अंदर ये डॉलर लाके लोकल बैंक में सबमिट करना है, एक दिन के अंदर अंदर, और इसके बदले लोकल कयात लेके जाओ। ठीक है, ताकि सरकार के पास डॉलर आ जाए और लोगों के पास लोकल करेंसी जाने लग जाए। पर लोगों ने इसे काफी सारे बिजनेसेस और उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया कि हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते, खासकर जो फॉरेन कंपनीज हैं या जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं। जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं वो तो अपने साथ म्यांमार के अंदर अगर वो ऑपरेट करती है ना, वो अपने साथ डॉलर ही लेके आती हैं, लोकल करेंसी, क्योंकि उनकी ट्रस्टेड नहीं है। हमारे यहाँ पे आके तो वो रुपी में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को,
और म्यांमार की करेंसी ट्रस्टेड नहीं है, ये सारी चीजों के कारण, मिलिट्री के तख्तापलट के कारण, इस कारण वो डॉलर में ही प्रेफर करते हैं कि हम अपनी करेंसी या डॉलर में डील कर लेंगे। अब इसी चीज की क्लैरिफिकेशन आई है कि फॉरेन एंटिटीज को हम अलाउ करेंगे, बस जो लोकल लोग हैं उन्हें डॉलर एक्सचेंज करके लोकल करेंसी ही हर टाइम लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसलिए भी है। अब देखो आपकी लिस्ट में एक और देश शामिल हो रहा है जहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, इंडिया के आसपास का नेबरहुड, एक और बड़ी पिक्चर, श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्डअप हो रहे हैं, नेपाल पिछले हफ्ते करंट अफेयर में था, वहां पे भी फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे हैं कि नेपाल कहता है बस 6 से 8 महीने में पैसा खत्म हो जाएगा हमारे पास, म्यांमार वो भी कह रहे हैं पैसा खत्म हो जाएगा। तो इंडिया का सारा नेबरहुड डिस्टेबलाइज हुआ पड़ा, इसका डायरेक्ट प्रेशर इंडिया के ऊपर पड़ता है, क्योंकि अगर लोग यहां से भागे तो इंडिया की तरफ ही भागेंगे। ठीक है, तो हमारे रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम तो किसी को भी नहीं चाहते कि कोई भी बाहर से आ जाए, हमारे तो अपने लोग बहुत हैं। तो इस कारण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाले टाइम में इंडिया के आसपास दिख रही है, आ सकती है। क्लियर है, कोई भी डाउट? क्या? तो हाँ जी बिल्कुल, नेपाल के साथ। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।